नमस्कार साथियों गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम दोस्तों बिहार डी ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट है जहां आज दिनांक चार जनवरी 2021 को अंतिम तिथि निर्धारित की गई है यानी कि आज आप सभी अंतरिम रूप से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज गवर्नमेंट कॉलेज लिंक धीरे धीरे अपडेट हो चुका है लेकिन अभी भी एक ऐसा कॉलेज है जो अपना लिंक अभी तक अपडेट नहीं किया है साथ ही साथ लास्ट चांस में आप सभी कहाँ पर आवेदन करें जिससे कि आप सभी को फर्स्ट मैरिट लिस्ट सिलेक्शन में ही काउंसलिंग करने का मौका मिल जाए तो जिसका भी कम नंबर है आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी अगर आप हमारे नए साथी नए मेहमान हैं तो वो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे भी आप ज़रूर प्रेस कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए साथ ही साथ आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए शेयर नहीं किए हैं तो शेयर जरूर कर दीजिए तो दोस्तों ऑल डिस्ट्रिक्ट वाइज गवर्नमेंट कॉलेज लिंक प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आप अपना कोई भी गूगल ब्राउजर को ओपन कर लीजिए और यहाँ पर सर्च कीजिए कोसी स्टडी डॉट कॉम नीचे आएंगे तो आप सभी को यहाँ पर एक लिंक मिलेगा बिहार डीएलएड ऑनलाइन अप्लाई 2020 ट्वेंटी ऑल डिस्ट्रिक्ट वाइज गवर्नमेंट कॉलेज लिंक अपडेट साथ ही साथ फाइनल मैरिट लिस्ट से संबंधित जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी तो सबसे पहले हम लिंक प्राप्त करने के लिए इस पर क्लिक कर देते हैं नीचे आएगा तो आपको सारी जानकारी एक साथ मिल जाएगी साथ ही साथ ऑनलाइन आवेदन की आज 4 जनवरी 2021 अंतिम तिथि निर्धारित की गई है तो आप सभी आज तक ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे साथ ही साथ यहाँ पर ऑल डिस्ट्रिक्ट वाइज गवर्नमेंट कॉलेज लिंक दिया गया है जैसे कि डिस्ट्रिक्ट नेम कॉलेज नेम कितना सीट है अप्लाई लिंक नोटिफिकेशन लिंक साथ ही साथ 2019 का मैरिट कटअप लिस्ट का लिंक भी अपडेट किया गया है सबसे पहले तो जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं उस डिस्ट्रिक्ट में अगर आप आवेदन नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप वहां पर आवेदन कर दीजिए साथ ही साथ नीचे आएंगे तो पटना डिस्ट्रिक्ट में आने के बाद यहां पर डी कॉलेज का सबसे पहले लिंक अपडेट हुआ था उसके बाद जितना भी चार कॉलेज है इस चारों कॉलेज का लिंक लेट से अपडेट हुआ है तो यहाँ पर कम संख्या में छात्र आवेदन किए हैं साथ ही साथ पटना डिस्ट्रिक्ट के जितने स्टूडेंट हैं वो इस पाँचों कॉलेज में आवेदन किए होंगे जितना भी ये पाँचों कॉलेज है सभी में आवेदन किया है लेकिन एक स्टूडेंट एक ही जगह एडमिशन लेगा तो इसका मतलब यह हुआ कि जो नीचे वाले स्टूडेंट होंगे जिसका मार्क कम होगा उसको भी यहां पर चांस बनेगा तो इसलिए अगर आप जो है बड़ा को टारगेट करते हुए मसौरी को टारगेट करते हुए महेंद्रू को टारगेट करते हुए और मोकामा को टारगेट करते हुए कम से कम इस तीन जगह आवेदन कर देते हैं तो आपको यहां पर चांस मिल सकता है पटना डी में तो सभी किए होंगे अगर आप पटना डिस्ट्रिक्ट के आसपास के स्टूडेंट हैं तो आप यहां पर मसौरी मेंद्रू और मोकामा में ज़रूर अप्लाई कीजिए क्योंकि तो यहां पर एक स्टूडेंट सभी कॉलेज में आवेदन किए हैं तो कोई जिसका भी हाईएस्ट नंबर है वो एक ही जगह एडमिशन लेगा की जगह को छोड़ देगा तो नीचे वाले स्टूडेंट को यहाँ पर चांस बनेगा साथ ही साथ आप यहां पर नीचे आएंगे तो वेस्ट चंपारण में वाल्मीकि नगर का अभी तक लिंक अपडेट नहीं हुआ है और ईस्ट चंपारण का लेट से जो है यहां पर लिंक अपडेट हो चुका है तो यहां पर आप आएंगे ईस्ट चंपारण दरियापुर में तो यहां पर आप सभी देखेंगे कि ये वेबसाइट ओपन हो रहा है तो आप सभी यहाँ पर आवेदन कीजिए अगर आपने ईस्ट चंपारण दरियापुर में आवेदन नहीं किया है यहाँ के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर निश्चित रूप से आवेदन कीजिए इसके बाद आप सभी नीचे आएंगे तो नालंदा का लिंक अपडेट नहीं हुआ था तो यहाँ पर भी जो है नालंदा का लिंक अपडेट हो गया है अगर आप नालंदा डिस्ट्रिक्ट के हैं तो यहाँ पर लिंक टू के माध्यम से या लिंक वन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे क्योंकि इसका जो पहले वाला वेबसाइट था वो एक्सपायर कर गया था तो यहाँ पर ये जो है दूसरा वेबसाइट अपडेट किया है तो यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन अप्लाई 2020 के लिए लिंक दिया हुआ है तो आप सभी यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे साथ ही साथ जब आप इसे डेस्कटॉप मोड में कर लेते हैं और ऑनलाइन अप्लाई 2020 पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप सभी को एक नोटिफिकेशन मिलेगा यदि आपका पेमेंट हो चुका है और रिसिप्ट नहीं मिला है आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये बोल रहे थे पेमेंट कट गया है लेकिन रिसिप्ट नहीं मिला है तो 24 घंटे प्रतीक्षा करने के बाद आप दोबारा चेक करें आपको रिसिप्ट मिल जाएगी साथ ही साथ जो फर्स्ट टाइम यहां पर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसको यूजर आई साथ के रूप में मोबाइल नंबर साथ ही साथ पासवर्ड के रूप में वेलकम पासवर्ड मिलता है तो आप इस वेलकम पासवर्ड को चेंज करेंगे उसके लिए आप यहाँ पर क्लोज पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर जो है आप अपना सारा डिटेल फ़िलअप करेंगे सारे डिटेल को फिलअप करने के बाद आप यहाँ रजिस्टर पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे कि स्क्रीन पर शो कर रहा है आपका यूजर नेम क्या है आपका मोबाइल नंबर है और आपका पासवर्ड क्या है ये वेलकम पासवर्ड है अब इस वेलकम पासवर्ड को आपको चेंज करना होगा तो क्लिक ईयर पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और ओल्ड पासवर्ड ओल्ड पासवर्ड में आप यहाँ पर वेलकम डालेंगे तो यहाँ पर फाइनली जो है ओल्ड पासवर्ड में हम वेलकम डाल चुके हैं और नया पासवर्ड में आपको कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर और नंबर का यूज करते हुए यहाँ पर आपको अपना सेम पासवर्ड डालना है और जैसे ही चेंज पासवर्ड पर आप क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देख पाएंगे पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली अब आपको आपका मोबाइल नंबर यूज़र आई हो गया और आप जो अभी पासवर्ड डाले हैं वो आपका मेन पासवर्ड हो गया तो जिसका अभी पेमेंट कट गया है और अभी तक रिसिप्ट नहीं मिला है तो आप सभी 24 घंटे तक इंतजार करेंगे और दोबारा लॉगिन करके चेक करेंगे आपको आपका रिसिप्ट शो करेगा और मिल जाएगा तो आप इसे ज़रूर प्रिंट करके रख लेंगे और ध्यान रहे कोई भी गलती नहीं करना है आपको सावधानी बरतते हुए ऑनलाइन आवेदन करना है अगर दिक्कत हो रही है तो आप कैफ़े चले जाइए तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जिसका भी कम नंबर है वो निश्चित रूप से मसौरी महेंद्रू और मोकामा इस तीनों जगह आप ऑनलाइन आवेदन कीजिए आपको यहाँ पर चांस मिल सकता है साथ ही साथ जमुई डिस्ट्रिक्ट का भी अभी तक लिंक अपडेट नहीं हुआ है तो उसका भी लिंक अगर मिलता है तो अपडेट कर देंगे नहीं तो अब फाइनली लास्ट चांस हो चुका है तो अब कोई भी लिंक नया अपडेट होने वाला नहीं है इतना लिंक में ही आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग कॉलेज में आवेदन डाल सकते हैं लेकिन एक कॉलेज में आप एक ही आवेदन डाल सकते हैं यदि आपके पास और भी अभी कोई क्वाज है तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए उस पर हम अलग से वीडियो कोशिश करेंगे बना दें साथ ही साथ मेरिट लिस्ट कटअप के संबंध में भी हम वीडियो बनाए हुए हैं तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं साथ ही साथ पटना डिस्ट्रिक्ट के प्राइवेट कॉलेजों में अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए तो उसके लिए विस्तार से जानकारी के लिए हम एक वीडियो बनाए हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप उस वीडियो को देख लीजिए उसके बाद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले लीजिए उसके बाद उसमें जो हम बताए हैं उस स्टेप को आप आगे फॉलो कीजिए अगर आप पटना के प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन डायरेक्ट लेना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप देख लीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं तो दोस्तों आप सभी से फिर से एक बार रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए नए साथी हैं नए मेहमान हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए धन्यवाद